गुड मॉर्निंग क्लास एयर स्टूडेंट्स, अभ्यास 1.5 क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित मानों के द्वारा एक्स गुणे वाई इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स का सत्यापन कीजिए। क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट 1 देखिए। एक्स इज इक्वल टू -1/5, y इज इक्वल टू 2/7। अब मुझे सत्यापित करना है x इंटू वाई इज इक्वल टू y इंटू एक्स। अब x का वैल्यू क्या दिया गया है, -1/5। तो x के जगह पर हम लिख देंगे -1/5 इंटू वाई का वैल्यू क्या दिया है 2/7 इंटू 2/7 इज इक्वल। सर आवाज नहीं आ रही है। अब क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित मानों के द्वारा सब माइक्रोफोन ऑन कीजिए, आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हेलो। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित मानों के द्वारा एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स का सत्यापन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है। एक्स इज इक्वल टू -1/5, वाई इज इक्वल टू 2/7। अब हम एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स को सत्यापित करेंगे। सत्यापित करने के लिए एक्स का वैल्यू जो दिया गया है और वाई का जो वैल्यू दिया गया है उसको हम एक्स और वाई के स्थान पर प्रतिस्थापित कर देंगे। तो वाई का मान क्या है 2/7 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है -1/5। अब दोनों भिन्नों के अंश अंश का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -2/5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 35। अब इसी तरह बराबर के दूसरी तरफ राइट साइड को हम अंश और अंश से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -2/7 × 5 करेंगे तो क्या आएगा 35। अब इक्वल के दोनों तरफ सेम फ्रैक्शन आने के कारण आपका जो है क्वेश्चन जो है क्या हो गया, सत्यापित हो गया। तो आप लिखेंगे एच इज इक्वल टू आर एच। सत्यापित, ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, एक्स इज इक्वल टू 3/7, वाई इज इक्वल टू -2/5। ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा है? एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स। एक्स इज जगह पर हम क्या लिखेंगे, एक्स स्थान पर 3/7 इंटू वाई के स्थान पर क्या लिखेंगे -2/5 इज इक्वल टू -2/5 इंटू 3/7। अब 3 से -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3×2=6 प्लस -6/7 × 35 इज इक्वल टू -2 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 2×3=6।
-6 अपॉन 5 चरंडा 35 इक्वल के दोनों साइड बराबर हो गए इसलिए हम लिखेंगे हियर एच एस इक्वल टू आर एच एस। इस प्रकार से भी एक क्वेश्चन भी आपका सत्यापित हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित के द्वारा प्रगुण a इंटू ब्रैकेट में b इंटू c ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू ब्रैकेट में a इंटू b ब्रैकेट क्लोज इंटू c को सत्यापित करना है कि इक्वल के दोनों तरफ जो क्वेश्चन दिया गया है वो सही है या गलत। इसका पार्ट वन है a इज इक्वल टू 1/3 b इज इक्वल टू -2/3 और c इज इक्वल टू 4/3। a b और c के स्थान पर इनके स्थान पर इनका मान जो दिया गया है उसको हम क्वेश्चन पे लिख करके दोनों तरफ के मान को हम ज्ञात करेंगे। अगर दोनों तरफ सेम आता है तो आपका क्वेश्चन क्या हो गया सत्यापित हो गया। एक स्थान पर क्या लिखेंगे 1/3 इंटू ब्रैकेट में बी की जगह क्या लिखेंगे -2/3 इंटू सी के स्थान पर 4/3 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू एक स्थान पर ब्रैकेट में 1/3 इंटू बी के स्थान पर -2/3 ब्रैकेट क्लोज इंटू 4/3। असल से पहले हम ब्रैकेट को सरल करेंगे तो लिखेंगे 1/3 इंटू -2 से 4 को मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा 2 4 8 माइनस प्लस माइनस अपान 3 3 9 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 1 से -2 को मल्टीप्लाई करो 1 2 2 प्लस माइनस माइनस 3 3 9 ब्रैकेट क्लोज इंटू 4/3। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे 1/3 इंटू -8/9 इज इक्वल टू -2/9 इंटू 4/3। अब 1 से -8 को मल्टीप्लाई करो 1 8 8 प्लस माइनस माइनस अब इनके जो हर दिए गए हैं 3 और 9 अर्थात 3 और 9 से मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा 3 9 27 इज इक्वल टू -2 से 4 को मल्टीप्लाई करो 2 4 8 प्लस माइनस माइनस 9 3 27 इक्वल के दोनों तरफ सेम फ्रैक्शन आया है। इस प्रकार से आपके द्वारा सरल किया गया क्वेश्चन भी क्या हुआ सत्यापित हो गया। ठीक अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित के द्वारा प्रगुण a इंटू बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू a इंटू बी ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट में a इंटू सी। अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है जो a b और c का मान दिया गया है a इज इक्वल टू 5/6 b इज इक्वल टू -3/4 और c इज इक्वल टू 7/8। अब a b c के जो अलग अलग मान दिए गए हैं इसी को हम दिए गए प्रगुण
फाइव अपॉन सिक्स ब्रैकेट में बी के स्थान पर माइनस थ्री अपॉन फोर प्लस सी के स्थान पर सेवन अपॉन एट ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू ए इंटू बी है ए के स्थान पर फाइव अपॉन सिक्स इंटू बी के स्थान पर माइनस थ्री अपॉन फोर ब्रैकेट क्लोज प्लस ए के स्थान पर फाइव अपॉन सिक्स इंटू सी के स्थान पर सेवन अपॉन एट अब माइनस थ्री अपॉन फोर प्लस सेवन अपॉन एट है। अब इनके दोनों के बीच में दोनों भिन्नों के बीच में प्लस का है तो प्लस करने के लिए अगर भिन्न के हर अलग अलग होते हैं तब हम उनका क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं तो फोर और एट का एलसीएम क्या होगा एट। अब प्रत्येक भिन्न के हर से उस एलसीएम को डिवाइड करते हैं तो फोर से एट को डिवाइड करो तो डिवाइड करने कितना आएगा टू और उस टू से उस भिन्न के अंश थ्री में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा टू थ्री जा सिक्स प्लस एट से एट को डिवाइड करो तो क्या आएगा वन वन से सेवन को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा सेवन। अब फाइव अपॉन सिक्स इंटू माइनस सिक्स है और प्लस सेवन है जब दो संख्याएं हो तो दोनों में एक प्लस और एक माइनस हो तो ग्रेटर में से इस मानक को हम माइनस कर देते हैं और ग्रेटर संख्या का चिन्ह लगा देते हैं सेवन में से सिक्स को माइनस करेंगे तो आएगा वन अपॉन एट इज इक्वल टू फाइव इंटू माइनस थ्री है तो फाइव थ्री जा फिफ्टीन माइनस फिफ्टीन अपॉन सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर प्लस फाइव सेवन जा थर्टी फाइव और सिक्स एट जा फोर्टी एट। अब इन दोनों के बीच में इंटू का चिन्ह है इसलिए दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे फाइव वन जा फाइव अपॉन सिक्स एट जा फोर्टी एट इज इक्वल टू अब माइनस फिफ्टीन अपॉन ट्वेंटी फोर प्लस थर्टी फाइव अपॉन फोर्टी एट है। इन दोनों को प्लस करने के लिए हम इन दोनों भिन्नों के हारों का एलसीएम लेंगे ट्वेंटी फोर और फोर्टी एट का एलसीएम होगा फोर्टी एट। ट्वेंटी फोर से फोर्टी एट को हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो ट्वेंटी फोर ऊर्जा क्या होता है फोर्टी एट और टू से माइनस फिफ्टीन को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस थर्टी यहाँ प्लस और बोलो बोलो हेलो हाँ बोलो सवाल समझ लो फिर से बात पूछना फोर्टी एट से फोर्टी एट को डिवाइड करेंगे वन आएगा वन से थर्टी फाइव को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा थर्टी फाइव। अब देखो माइनस थर्टी है प्लस थर्टी फाइव जब प्लस माइनस होता है तो क्या करते हैं हाँ बोलो जब एक संख्या प्लस हो दूसरा माइनस हो तो हम क्या करते हैं मालूम है माइनस करते हैं किसमें से बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को क्या करते हैं माइनस कर देते हैं तो बड़ी वाली संख्या कितनी है थर्टी फाइव और छोटी वाली कितनी है माइनस थर्टी तो थर्टी फाइव में से थर्टी को माइनस करो क्या आएगा फाइव अपान एलसीएम है फोर्टी एट। अब बीच में देखो बराबर चिन्ह है बराबर के दोनों तरफ लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम संख्या आई है इस प्रकार से आपके क्वेश्चन के अनुसार आपका आंसर क्या हो गया सत्यापित हो गया। हाँ बोलो अभी मिटाइएगा नहीं हाँ नहीं मिटाएंगे नहीं मिटाएंगे ठीक है बता दिया करो कोई समस्या हो ठीक ये सवाल समझ में आए कि नहीं अनु साहब हेलो
चार्जिंग नहीं है जी। ये लाइव क्लासेस जो है, लाइव क्लासेस जो हम पढ़ा रहे हैं, इसकी रिकॉर्डिंग भी है, आप इसकी रिकॉर्डिंग ले सकते हैं यूट्यूब पे जाके, ठीक। और फिर भी अगर आपको समझ में ना आए तो आप जो है पूछ सकते हो, समझ में आए, रख करें। बोलो रख कर दी, अब इन दोनों को हम माइनस करेंगे, माइनस करने के लिए इनके भिन्नों के हरों का एल
लेंगे या से लेने पे क्या आएगा 40 8 से 40 को डिवाइड करो तो क्या आएगा 8 5 जा 45 5 से 4 को मल्टीप्लाई करो 5 3 जा 15 माइनस माइनस प्लस 10 से 40 को डिवाइड करो 10 4 जा 44 से 4 को मल्टीप्लाई करो 16 अब दोनों प्लस हैं इनको हम प्लस करेंगे तो 31 अपॉन 40 तो दोनों साइड इक्वल आया इसलिए हम लिखेंगे यह एच एस इक्वल टू आर एच एस आपका क्वेश्चन क्या हो गया सत्यापित हो गया नंबर 2 का 3 ये सवाल घर पर आप स्वयं सॉल्व करेंगे थैंक यू।